आज हम आपको इस वीडियो में लेकर जाएंगे दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे पुराने जूलॉजिकल गार्डन, जिसे दोस्तों अलीपुर जू के नाम से भी जाना जाता है और कलकत्ता जू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जू दोस्तों स्थित है कोलकाता में, इसी 1876 में ओपन किया गया था और ये कलकत्ता का बहुत ही बिजी टूरिज्म प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ पे सालाना लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं और जू का आनंद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ट्रैवलिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है और दोस्तों मैं अभी अलीपुर जू में आया हूं जो कि कोलकाता में है। इसके लिए आने के लिए दोस्तों मेरे को 60 रुपये का टिकट काटना पड़ा है। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या जानवर आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों कोलकाता आते हैं और अलीपुर जू जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आप नियर बाय रेलवे स्टेशन कोलकाता से जो आपको मिलता है हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन, जहाँ से दोस्तों आपको डायरेक्ट बस मिल जाता है अलीपुर जू के लिए, जो दोस्तों आपको मात्र 20 से 30 रुपये का प्राइस पे आपको डायरेक्ट अलीपुर लेकर चले जाएगा। आपको बस सिंपल सा बस वाले को बोलना है कि हमें अलीपुर जू जाना है। अब जैसे ही दोस्तों टिकट काट कर अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो आपको सामने में एक मैप दिखता है, जिसमें दोस्तों आपको सारा जू का डायरेक्शन आपको बताया गया है। अगर आप राइट तरफ की तरफ जाते हैं तो दोस्तों आपको हाथी, लायन और हिप्पोपोटामस देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैं दोस्तों हाथी और लायन हिप्पोपोटामस की तरफ जाने वाला, तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप दोस्तों अंदर की तरफ आते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को बहुत सी ऐसी चिड़िया मिल जाती है, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ जो शेर का जो प्रजाति यहाँ पे आपको बहुत सा ऐसा देखने को मिलता है, वाइट टाइगर से लेके बंगाल का टाइगर भी आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे कि दोस्तों ये जू बहुत पुराना होने के चलते यहाँ पे बहुत ऐसे जानवर आपको मिलते हैं, लेकिन एरिया छोटा है लेकिन यहाँ पे जानवर आपको बहुत से देखने को मिल जाते हैं। अलीपुर जू के अंदर दोस्तों आपको पर पर्सन लगता है 30 रुपीज, और जहाँ तक देखा जाए दोस्तों मैं जो भुवनेश्वर का जू गया था उससे ये जू जो है दोस्तों बहुत ही छोटा है। जी हाँ, जू जू है ना दोस्तों भुवनेश्वर के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर में टिकट के रेट कम लिया था लेकिन वहाँ बहुत कुछ देखने को मिला था और बहुत ही बड़ा जू भी है। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं, अगर कुछ सांप मिल जाता देखने के लिए। और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, मैं बस लास्ट एंडिंग में आ चुका हूँ, फिर भी चलिए देखते हैं क्या दिखता है। आपको जैसे भुवनेश्वर के जैसा दोस्तों आपको कलकत्ता में भी व्हाइट टाइगर देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी वो फिलहाल सो रहा है तो इस वजह से कैमरे में शायद कैद नहीं हो पाएगा, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करते हैं आपको कैमरे में दिखाने का। तो भूख लग रहा है हम लोग को देख के।
जनवरी महीना 2022 में अगर आप जू जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों फिलहाल अभी इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि कोविड के नए गाइडलाइंस के हिसाब से वेस्ट बंगाल जो सरकार था उन्होंने अभी जू को बंद ही रखने का फैसला लिया है। ऐसा अभी कोई भी न्यू अपडेट नहीं आया है, जैसे ही न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दूंगा जू ओपन हो गया है। और दोस्तों अभी फिलहाल हम पहुंच गए हैं सांप घर पे और अंदर चलते हैं, क्या क्या इसने यहाँ पे है आपको वीडियो में दिखाएंगे। रेप्टाइल हाउस के अंदर का नज़ारा दोस्तों बिल्कुल ही अलग प्रकार का था, क्योंकि इसके अंदर कांचों के अंदर में जहरीले सांपों को रखा गया था और बहुत से ऐसे रेप्टाइल चिपकली भी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी तरह का खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि जहरीला जितने भी चीज़ है वो सबको दोस्तों कांचों के अंदर रखा गया है और बहुत ही करीब से आप इसको देख कर नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि कांच के बहुत आसपास में ये मोटे मोटे सांप आपको पेड़ पर लटके हुए नज़र आ जाएंगे और बहुत ही जहरीले सांप सबको देखने का जो नया मज़ा है वो आपको दोस्तों इस ज़ू के अंदर में मिलेगा। सुनने को मिलते हैं कि भालू हमेशा सोने में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं, और ऐसे हमको चिड़ियाघर में भी देखने को मिल ही जा रहे हैं। और इसके पास में ही दोस्तों आपको जेब्रा हाउस भी मिल जाता है, जिसके अंदर है चार पांच जेब्रा आराम से आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही पास से आप जेब्रा को देखने का लुक भी उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं और एक नए सफर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।